वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट प्रिपरेशन एज ए फ्रेंड। देख रहे हैं आप लोग मेरा चैनल। दोस्तों मैं आज लाया हूँ आपके लिए बहुत एक अच्छी वीडियो, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस का जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर का जो एग्जाम हुआ सेशन का 15 स्केल के लिए, उसके जो रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हम तक पहुँचे वो आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि 4 जनवरी 2022 को हेल्ड हुआ है। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला एमसीक्यूज था तो दोस्तों वो था बॉस्पोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स, जो कि था वो बॉस्पोरस स्ट्रेट जो आबशार है वो दोस्तों ब्लैक सी और मार्मा सी को सर कनेक्ट करती है। एंड द नेक्स्ट वन वाज मलाका स्ट्रेट सेपरेट्स द विच कंट्री, जो कि मलाका स्ट्रेट है वो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग अलग करती है। और क्वेश्चन नंबर 3 था द ह्यूमिडिटी इज इन एयर, जो ह्यूमिडिटी है वो समर में ज़्यादा होती है दोस्तों। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज द पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ द काबा बिटवीन इट्स डोर एंड हजरे अस्वद, वो पोर्शन जो काबा की दीवार और हजरे अस्वद के दरमियान में होता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं मुल्तजिम कहते हैं। इसका आंसर ये था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था हाउ मेनी टाइम्स पीपल रन फ्रॉम सफा टू मरवा ड्यूरिंग साई, तो कितनी बार वो लोग दौड़ते हैं सफा और मरवा के, सफा से मरवा की जानब, तो दोस्तों 7 मरतबा होता है, 7 टाइम्स था उसका आंसर। एंड द क्वेश्चन 6 था विच रुकन इस्लाम इज कॉल्ड शील्ड, तो दोस्तों फास्ट को कहते हैं जो रोजा रखना होता है वो दोस्तों रुकन इस्लाम का शील्ड होती है बेसिकली, वो भी एक। ठीक है, तो फास्टिंग इसका आंसर था। एंड क्वेश्चन 7 विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द एशिया, जो एशिया का सबसे बड़ा जो दरख्त था वो यांग्स था, इसका आंसर था वेयर डज द हजाज गो आफ्टर परफॉर्म सही, हजाज जो हाजी होते हैं वो सही परफॉर्म करने के बाद कहाँ जाते हैं, तो दोस्तों मीना के अंदर जाते हैं, इसका आंसर मीना था। और क्वेश्चन ये था अगर नेक्स्ट निसाबे ज़कात ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर, जो निसाबे ज़कात है गोल्ड वो सबसे सबको पता दोस्तों वो 7.5 तोले गोल्ड पर और 52 तोले चांदी पर था। नेक्स्ट वन वाज खम्स, लिटरली मीन खम्स का जो मतलब होता है दोस्तों 1/5 होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ द मक्की सूरत, जो मक्की सूरतों की तादाद दोस्तों वो 86 है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द नेम ऑफ द कैमल द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्राइविंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द माइग्रेशन टू मदीना, जिस ऊँट पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर किया करते थे मदीना के जानब, तो उस ऊँट का क्या नाम, तो उसका नाम था कस्वा था। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन स्विस कैनाल वाज बिल्ड, स्विस कैनाल वो 1869 में बनाई गई थी, इसका आंसर 1869 था। एंड क्वेश्चन 14 वाज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान का जो पहला गवर्नर था वो कमरुल जमान कायरा थे। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान, तो वो दोस्तों शमा खालिद था। एंड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान वाज इन्फोर्स ऑन विच डेट, तो दोस्तों वो 14 अगस्त को था। एंड द नेक्स्ट वन इज पर्शियन गुल्फ इज सिचुएटेड इन, जो पर्शियन गुल्फ है वो दोस्तों अरेबियन सी के अंदर है। एंड क्वेश्चन 18 वाज द डिजीज विच एंड्स इन डेथ इज कॉल्ड, इसको फैटल कहते हैं दोस्तों। एंड 19 वाज द हुदैबिया वाज साइंड इन 6 हिजरी में, दोस्तों ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है FI के एग्जाम्स में, भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था टोटल नंबर ऑफ गजवाज इज 27 था इसका आंसर, ये भी दोस्तों FI के एग्जाम्स में भी ये आए थे। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हज्जतुल विदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा जो 632 में दिया था, इसका आंसर 632 था। उसके बाद 22 व्हाट वाज द नेम ऑफ द शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह का असल नाम जो अहमद था। एंड द नेक्स्ट वन वाज सैयद अहमद शहीद वाज मार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट 6 एट बालाकोट, दोस्तों इसका आंसर बालाकोट था। एंड द 24 वाज सैयद अहमद शहीद वाज द फाउंडर ऑफ विच मूवमेंट, सैयद अहमद शहीद किस तहरीक के बानी है, तो दोस्तों वो जिहाद मूवमेंट के बानी थे। और 25 वाज हु वाज द फाउंडर ऑफ द फ्राइजी मूवमेंट, जो फ्राइजी मूवमेंट का जो तहरीक थी उसका जो फाउंडर वो दोस्तों हाजी शरीयतुल्ला खान थे। एंड नेक्स्ट वन वाज फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इन इंडिया वाज फाउंडेड बाय बहलोल लोधी, इसका आंसर था दोस्तों। उसके बाद 27 विच रिवर इज कॉल्ड द फादर ऑफ द वाटर, दोस्तों वो इंडस वाटर जो है उसको कहते हैं फादर ऑफ वाटर। एंड नेक्स्ट वन इज बल्तिस्तान इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत कहते हैं दोस्तों बल्तिस्तान को। उसके बाद 29 था अ पर्सन अपोज टू ग्रेट एंड सडन चेंज इज कॉल्ड, वो शख्स जो अचानक जो बदल जाता है, ठीक है, या अचानक मुखालफत करता है उसको कहते हैं कंजर्वेटिव। तो दोस्तों ये हमारे पास 29 एमसीक्यूज जो पहुंचे तो आपके साथ मैंने शेयर कर दी, जो आप जैसे ही और एमसीक्यूज आएंगे तो आपके साथ शेयर कर दूंगा। दुआ में
याद रखिएगा, और हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।